और सब खैरियत बच्चों, मिजाज बढ़िया है। चलिए बेटा, फिजिक्स 11th, काइनेमैटिक्स, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, चैप्टर 3, लेक्चर 8। बेटा जो लेक्चर 7 में हमने यानी वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया था, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए थे हमने, तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो बेटा हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड मीटर पर सेकंड एंड टाइम सेकंड के अंदर है, टेन, ट्वेंटी और ये 12। ये बेटा स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि भाई यहां एवरेज स्पीड क्या होगी, फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। भाई जिस बॉडी का यहां पर स्पीड टाइम हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा जो एवरेज स्पीड होगी वो ध्यान रखिए कि भाई एवरेज स्पीड यानी एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू भाई जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल टाइम, टोटल टाइम। बेटा अब यहां से जो स्पीड टाइम है इससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, भाई हमें पूरे 0 से 20 सेकंड तक हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम ये एरिया ले लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ट्राइंगल का शेप है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाएगा, और टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ये आ गया, बेस हो गया 20, बेस इज 20, हाइट कितनी हो गई 12 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम बेटा मेरे पास कितना हो गया, यानी टोटल टाइम 20 हो गया, तो बस बेटा यहां से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, एवरेज स्पीड बिकम्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम 20 दे रखा है, और टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एरिया से फाइंड आउट करेंगे, हाफ बेस हाइट, बेस 20 हो गया और हाइट कितना है हमारे पास 12, तो हाफ 20 इंटू 12 अपॉन टोटल टाइम 20, 20 कैंसिल आउट, 6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड हो गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे मैं कहूं अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फॉर सम टाइम, या मान लीजिए कि भाई 10 टाइम के लिए बॉडी ऊपर गई और 10 टाइम बाद लौट आई, यानी जब मैं इसे बॉडी को थ्रो करता हूं, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक 10 सेकंड लगा और 10 सेकंड बाद ही इट रिटर्न्स टू मी, ये वापस मेरे पास आ गई, तो बेटा मुझे इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है, ठीक है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विच कम्स बैक आफ्टर सम टाइम, ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सोचिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, तो भाई जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, ठीक है। बेटा यहां आप ध्यान रखिएगा, बॉडी अगर ऊपर जा रही है, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे यहां आ गए, उसके बाद बॉडी ये नीचे आएगी, ठीक है, मैंने बॉडी को यहां से फेंका,
ग्राउंड से फेंका कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये रिटर्न बैक होगी। बेटा दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों ही मोशन में, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां वर्क करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो फिक्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बेटा मुझे जो ग्राफ प्लॉटिंग करनी होगी, टाइम ये ले लिया मैंने और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लिया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बेटा ये दोनों ही केस में बॉडी का मोशन अपवर्ड है तब भी जी नीचे है, व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन तब भी जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो यहां तक बना देता हूं टाइम, कि भाई नीचे से ऊपर तक पहुंचने में लगा टाइम ये है, ठीक है, उसके बाद बॉडी नीचे आती है, तो जी तो बेटा नीचे ही रहेगा, ये हो गया। तो मैं कह रहा था कि मैं अगर मान लो 10 सेकंड मुझे यहां लग रहे हैं, 10 सेकंड ये 10 और 20 सेकंड, अगर मैं टाइम मेंशन करना चाहूं तो 10 सेकंड 20 सेकंड या ऐसे लिख दूं, टाइम ये इधर लिख दूं टी और 2t टाइम। तो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जो एक्सेलरेशन है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। अब बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए जैसे बेटा यहां पर ये टावर है, क्या है ये टावर, यहां से एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड और एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप्ड, यानी एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में विद सर्टेन वेलोसिटी फेंक रहे हैं, ठीक है, यानी इनके गिरने से पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके टकराने से पहले हमें इनके बीच डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर एंड साइमल्टेनियसली another body is thrown vertically upwards with certain velocity, ठीक है, draw distance time graph, यानी दोनों के बीच, दोनों बॉडीज के बीच डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना होगा, यानी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कोई भी बॉडी ग्राउंड से टच ना करे, हिट ना करे, ठीक है। अब बेटा एक बॉडी को यहां ड्रॉप कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया, ठीक है। अब यहां जैसे अब ये बॉडी ऊपर चल रही है, ये नीचे जा रही है, तो लगातार बेटा क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो बस यहां पर डिस्टेंस टाइम, भाई एक बॉडी नीचे आ रही है, एक ऊपर जा रही है, ये नीचे आती जाएगी, ये नीचे आती जाएगी, और ये ऊपर जाती जाएगी, ये ऊपर जाती जाएगी, तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बीच का डिस्टेंस इनके बीच लगातार बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम खींचूं, डिस्टेंस और टाइम खींचे, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी को मैं 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, ठीक है,
अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards with 100 meter per second. कितनी रफ्तार से फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड? 100 meter per second. ठीक है. आफ्टर सम टाइम बॉडी कम्स बैक, भाई बॉडी वापस लौट आती है. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद 100 meter per second. आफ्टर सम टाइम बॉडी कम्स बैक. ठीक है. तो हमें क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. और कुछ यहां पर पार्ट्स हमें निकालने हैं, कुछ यानी दो पार्ट्स इसके आंसर करने हैं एंड. अब क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर वन, भाई मैक्सिमम हाइट यानी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये ध्यान रहे, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी. ठीक है. मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी, एक पार्ट तो ये निकालना है और दूसरा कि भाई 15 सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 15 सेकंड्स. 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी. ठीक है. तो ये हमें पता करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. बेटा यहां पे जो जी गिवन है, जी इज इक्वल टू 10 meter per second square. जी कितना है? 10 meter per second square. ठीक है. अब बेटा जैसे किसी बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं, यहां से बॉडी को फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से. जी की वैल्यू कितनी है? 10 meter per second square. ठीक है. अब ये हम पता कर लें कि भाई मैं सपोज फ्रॉम द ग्राउंड यानी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वहां से इसको थ्रोन किया इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं ये पता कर लूं कि भाई ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगाएगी. हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगाएगी? भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो. तो बेटा वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. अब वी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100 माइनस जी, जी 10 है, टाइम कितना लगा? टी. तो बेटा ये 10 टी इज इक्वल टू 100, हेंस टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो इसे 10 सेकेंड ऊपर जाने में लगेंगे. एयर का रेजिस्टेंस तो हम कहीं एज्यूम कर ही नहीं रहे, तो उतनी ही देर में 10 सेकंड में इट कम्स बैक. यानी कहां पर आ जाए? 10 सेकंड ऊपर लगेंगे जाने में, और हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ग्राउंड, फिर से ग्राउंड तक आने में 10 सेकंड और लगेंगे. तो 20 सेकंड तक इसकी जर्नी रहेगी. ठीक है. अब बेटा चूंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो मूवमेंट है वेक्टर क्वांटिटी के, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा. ठीक है. ऊपर की वेलोसिटी मान लो, मैं मान लेता हूं कि भाई पॉजिटिव है और नीचे की वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है. जब नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. ऊपर की पॉजिटिव और नीचे जब आएगी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. तो बेटा अब यहां पे ये वेलोसिटी वर्टिकल, तो वेलोसिटी एक्सिस हो गया और ये टाइम एक्सिस ले लिया. टाइम सेकेंड में लेंगे, मार्क कर देते कि भाई यहां से 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, 10 ये हो गया, 12 ये मार्क कर देते हैं, 14
अब ये 14 हो गया, ये हमारे पास 16 हो गया, ये 18 हो गया और ये 20 हो गया। यानी टाइम किसमें आ गया, ये टाइम सारा का सारा सेकंड में लिया जा रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां पे वेलोसिटी, अब यहां कहां से स्टार्टिंग हुई है, 100, इनिशियल वेलोसिटी इज 100। ठीक है, अब 100 अगर एक सेकंड के बाद देखूं, भाई लगातार देखो घट रही है, जी कितना है 10, जी कितना है 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, 90 हो जाएगी, हर एक सेकंड के बाद 10 रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, और कितनी देर में, 10 सेकंड में क्या हो जाएगी, 10 सेकंड में इट बिकम्स 0। बेटा ये कितनी वेलोसिटी थी 100, ये वेलोसिटी मैंने ली है वर्टिकल एक्सिस पे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो बेटा यहां से ये 100 से 10 सेकंड तक, 100 से 0 हो गई कब तक, 10 सेकंड पर। अब 10 सेकंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एकदम साइन चेंज होगा, 10 सेकंड पे साइन चेंज हो जाएगा, और 20 सेकंड तक यानी अगले 10 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर से बेटा जब बॉडी यहां पर रीच करेगी, एयर का रेजिस्टेंस तो काउंटेबल नहीं है, कंसिडरेशन में नहीं है, तो 100 मीटर पर सेकंड से ही ये नीचे आके गिरेगी। ठीक है, तो बस बेटा आप यहां से लगातार में एक ही एक्सेलरेशन है, तो उसी तरीके से स्लोप जो होगी बिल्कुल मेंटेन रहेगी ऐसे करके। तो 20 सेकंड पे हम यहां आ गए, है ना, और यहां बेटा इसकी वेलोसिटी ये कितनी हो गई, -100 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारे पास। यानी इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये मैं स्ट्रेट कर दूं इसको, ये तो ये ग्राफ प्लॉटिंग होगी बेटा, वेलोसिटी टाइम ऐसे खींचेगा यहां पर। अब ये कह रहा है कि भाई ग्राफ से पता करो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी। बेटा मैक्सिमम हाइट कहां तक, यानी ये पॉइंट मैं ए मान लू, भाई ए पॉइंट से फेंका गया, बी हाईएस्ट पॉइंट है, तो बी क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट तक हो गया, ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो बस यहां से मैं 10 सेकंड तक ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा 10 सेकंड में, तो मैं ये एरिया निकाल लूंगा, तो पहला पार्ट ये एरिया निकाल लूं, तो ये मुझे क्या बताएगा, मैक्सिमम हाइट को बताएगा, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस इज 10 एंड हाइट इज 100, तो बेटा ये 5 हो गया, इट इज 500 मीटर। तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई बच्चों कितनी हो गई, 500 मीटर। तो ये 500 मीटर यहां से यहां तक की मैक्सिमम हाइट ए टू बी 500 मीटर हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन से नहीं किया, हमने ग्राफ की मदद से किया है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट बेटा हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 15 सेकंड। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे 15 सेकंड, ये मैंने 15 सेकंड ये मार्क कर लिया और यहां पर आ गए 15 सेकंड पे, यहां पर आ गए। ठीक है, अब बेटा यहां पे 15 सेकंड पे अब वेलोसिटी पता करें कि भाई वेलोसिटी अब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, भाई यहां से 5 सेकंड तक, यानी अब 10 सेकंड पे हम कहां है, बी पर है, बी पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर है 10 सेकंड पे, अब नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भाई वेलोसिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी हमारे पास हो गई u प्लस 80, जब ये नीचे आ रहे हैं u प्लस 80, ये वेलोसिटी हमारे पास हो गई। ठीक है, यानी अब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहां फिर से हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो 0 यहां पर है, उसके बाद ये डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां पे 0, जी कितना है 10 और टाइम कितना लगा बेटा 10 से 15 सेकंड में 5, तो ये मेरे पास हो गया 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये हो गया -50, ये -50 आ गया। अब बेटा यहां पे हम डिस्टेंस कवर्ड निकालें,
भाई 15 सेकंड में पूरा 0 टू 15 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर्ड है। तो बेटा मुझे अब यहां पे इसका भी एरिया काउंट करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो सभी कुछ मुझे पॉजिटिव लेना होगा, नीचे के जो डिस्टेंस होंगे वो भी सब क्या लेने पड़ेंगे, ये सब मुझे माइनस 50 प्लस 50 लेना होगा। ठीक है, ये इतना एरिया तो मेरे पास है ही यहां पर। अब मैं ऐसे मार्क कर देता हूं ओ ए बी, और ये लिख देता हूं सी, और ये लिख देता हूं डी। तो बेटा अब यहां पे टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया कि भाई इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी बेटा बीसीडी और ये सही से लिख देते बी सी डी। अब बेटा ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल ही चुका हूं मैक्सिमम हाइट के बाद, ये तो 500 है, ये 500 है, प्लस लेना पड़ेगा, माइनस मत लेना इसके अंदर। अब बेटा यहां छोटे ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस मेरे पास हो गया भाई 15 से 10, 15 माइनस 10 5 के बराबर। अब हाइट कितनी हो गई प्लस 50, ये प्लस 50 हो गई। अब यहां पर 2 और ये हमने यहां पर माइनस करें, ये यानी 25 से कर दिया हमने 500 प्लस, अब ये कितना हो गया 125 ये हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया भाई 500 प्लस 125 तो 625 मीटर ये आ गया। तो बेटा यहां पे डिस्टेंस कवर्ड अगर मुझे निकालना होगा 15 सेकंड में तो मैं ऐसे करूंगा। अगर मान लो मैं ये कहूं कि डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट निकालूं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, अगर मैं तीसरा पार्ट इसमें ऐड कर देता कि भाई तीसरा पार्ट हम ऐसे लगा देते थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तो अब विद साइन हम यहां पर एरिया को रखते, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो थर्ड पार्ट होता बेटा डिस्प्लेसमेंट 500 तो मेरे पास है ही यहां पर, ये तो पॉजिटिव है। अब बेटा यहां पे हाफ बेस हाइट यानी कि अब ये मेरे पास जो हाइट आ रही है यहां पर माइनस 50 है, बस ये माइनस 50 हो जाता, ये मैं माइनस लिखता कितना 125, तो ये वाला एरिया माइनस में हो जाता, इट इज 375 मीटर ऐसे हो जाता। तो मैंने दोनों यहां पर डिस्टेंस भी निकाल दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इन 15 सेकंड क्या हो गया 625 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 375। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक रॉकेट जो है उसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। नाउ क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ रॉकेट हूज फ्यूल इज बर्न्ड फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है रॉकेट का, जिसका फ्यूल बर्न्ड ऑफ हो रहा है फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड। बर्न्ड ऑफ फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसका फ्यूल जो है, उसका ईंधन जो है वो जल गया है। ठीक है, हमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं मानना है, नो एयर रेजिस्टेंस, कहीं कोई एयर रेजिस्टेंस की कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, एंड ग्राफ हमें कैसा दे रखा है,
ये बेटा हमें ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, यहां में टाइम है, टाइम किस में, सेकंड में है, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। यहां वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। अब यहां हमें दे रखा है कि भाई 10 सेकंड तक, 10 सेकंड ये है, फिर ऐसे ये 20 ऐसे करके बढ़ा लेते हैं कि भाई 40 ये है, 60 ये है, 80 ये है, ऐसे करके, ठीक है, 100 ये है, और ये 110 है, 120 ये है, और फिर हमारे पास आ गया 120 ये है, और ये हमारे पास आ गया 140। तो 140 तक बेटा मुझे यहां पर दे रखा है, और ये पॉइंट मार्क कर दिए इसने, ए ये कर दिया है, बी पॉइंट ये कर दिया है, ठीक है, और सी पॉइंट ये कर दिया है, यानी ये पॉइंट मार्क कर दिए ए बी सी, ठीक है। यहां पर हमें -500 दे दिया है, और यहां पर 500 ये दे दिया है, और यहां पर टाइम कितना है 140 सेकंड। तो बेटा ये ग्राफ है आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ रॉकेट हुज फ्यूल इज बर्नड ऑफ फॉर 10 सेकंड। तो कुछ पार्ट्स यहां आंसर करने हैं, यानी गिव द आंसर, गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भाई कुछ क्वेश्चंस के यहां पर आंसर करने हैं, पहला पार्ट, ठीक है भाई। इसमें आपको कौन सा पार्ट, यानी इसको आप ओरिजिन को ओ ही मान के चलना है, यो कौन सा पार्ट जो है, यानी ओ ए ए बी बी सी, ये तीन पार्ट हमारे पास हैं, यानी ओ ए हो गया, एक ए बी हो गया, एक बी सी पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट रॉकेट की राइजिंग को, ऊपर उठने को बता रहा है, और कौन सा पार्ट फॉलिंग को बता रहा है, विच पार्ट इंडिकेट्स द राइजिंग ऑफ द रॉकेट एंड विच पार्ट इंडिकेट्स विच पार्ट्स इंडिकेट्स द फॉलिंग ऑफ रॉकेट, ठीक है। एक तो ये बताना है, दूसरा कि भाई जब उसका फ्यूल जब 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, जब उसका फ्यूल जल रहा है ड्यूरिंग 10 सेकंड, एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड तक इसका एवरेज एक्सेलरेशन रॉकेट का क्या है, ठीक है। नंबर थ्री बेटा, जब 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड तक पूरा फ्यूल बर्नड ऑफ हो जाएगा, उसके बाद जब फ्यूल बर्नड ऑफ हो जाएगा तो रिटार्डेशन क्या होगा, यानी रिटार्डेशन आफ्टर द फ्यूल बर्नड ऑफ, पूरा जब फ्यूल बर्नड ऑफ हो गया उसके बाद रिटार्डेशन क्या है, ठीक है। चौथा कि भाई 10 सेकंड में ये कितना, 10 सेकंड के अंदर ये कितनी हाइट गेन कर लेता है, ठीक है, यानी कि जब रॉकेट का फ्यूल जल रहा है उस टाइम तक ये हाइट गेन्ड बाय रॉकेट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल की बर्निंग तक ये कितनी हाइट गेन कर लेगा। और लास्ट पार्ट कि भाई रॉकेट मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, यानी मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट, बेटा ये रॉकेट कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। तो ये इसके फाइव पार्ट्स यहां पर निकालने हैं।
तो सबसे पहला विच पार्ट इंडिकेट द राइजिंग ऑफ द रॉकेट, रॉकेट यानी कौन सा पार्ट रॉकेट की राइजिंग को इंडिकेट कर रहा है। बेटा यहां 10 सेकंड तक तो रॉकेट का फ्यूल जल रहा है, तो जबरदस्त एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद उसी मोमेंटम में वो आगे बढ़ता रहेगा। ये मतलब नहीं है कि भाई रॉकेट चला जहां तक फ्यूल जल रहा है वहां तक चलेगा, उसके बाद रिटर्न बैक हो जाएगा। नो, फ्यूल जलने के बाद, खत्म होने के बाद भी, ठीक है, इतना जबरदस्त वेलोसिटी हो जाती है, वो ऊपर चलता रहेगा। इसका मतलब ओ ए पार्ट, आंसर यहां से लिखना चालू करें भाई, ओ ए पार्ट हो गया आपका, ओ ए पार्ट राइजिंग को बता रहा है, एंड ए बी पार्ट ये भी राइजिंग को बताएंगे। दोनों पार्ट किसको बताएंगे? राइजिंग को। बेटा बी सी पार्ट, ठीक है, अब बी सी में आप देख रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी कहां आ गई? नेगेटिव आ गई, यानी ये रिटर्न बैक यानी फॉलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो बीसी पार्ट किसको इंडिकेट करेगा? फॉलिंग को इंडिकेट करेगा, यानी आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, उसके बाद रिटर्न बैक हो रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, यानी फॉलिंग हो गई। नंबर टू बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड यहां तक एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बेटा यहां 10 सेकंड के अंदर हमें एवरेज एक्सेलरेशन लेनी है। तो एक्सेलरेशन बेटा ओ ए लाइन का स्लोप, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए लाइन। अब ओ ए लाइन का स्लोप ले ले, एक्सेलरेशन आ जाएगा ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। बेटा ओ ए लाइन का स्लोप कैसे लेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल बेटा 1000 है, हॉरिजॉन्टल 10 है, तो 1000 अपॉन 10 ये हो गया 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अपना जबरदस्त एक्सेलरेशन, और ऐसी एक्सेलरेशन पैदा होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब आगे कह रहा है थर्ड पार्ट, रिटार्डेशन आफ्टर द फ्यूल बर्नड ऑफ। जैसे ही फ्यूल बर्नड ऑफ हुआ, रिटार्डेशन, यानी ये पार्ट ए बी पार्ट के अंदर। तो तीसरा रिटार्डेशन इन ए बी पार्ट, बेटा जो ए बी पार्ट होगा उसमें रिटार्डेशन होगा, ए बी पार्ट में रिटार्डेशन होगा, ए बी पार्ट। अब देख रहे हैं आप, ए बी पार्ट का स्लोप नेगेटिव है तो रिटार्डेशन आएगा इसके अंदर, ठीक है। और रिटार्डेशन कितना होगा? डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू, अब बेटा यहां से 1000 से, ठीक है, 1000 से क्या हो गया, यानी यहां 1000 है और ये जीरो हो जाता है, तो 0 माइनस 1000, ठीक है, यानी 0 माइनस 1000 तो ये आ गई वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई 110 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो ये चले गए, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके अंदर रिटार्डेशन पैदा हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है हाइट गेन बाय रॉकेट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, जब तक रॉकेट बर्न हो रहा है यानी विद इन 10 सेकंड, ये कितनी हाइट गेन करेगा? तो 10 सेकंड में ये शेडेड एरिया ले लें, ट्राइंगल बन रहा है फोर्थ पार्ट, तो बेटा यहां से हाइट गेन कितनी हो गई? हाइट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल विद इन 10 सेकंड, यानी 0 to 10 सेकंड हाइट गेन क्या हो गई? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इज 10 और हाइट इज 1000, तो बेटा ये 5 टाइम चला गया, तो 5000 मीटर या 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हाइट हो गई, यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल जब होगा यानी 10 सेकंड तक ये 5 किलोमीटर तक ये ग्राउंड से ऊपर पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट कह रहा है मैक्सिमम हाइट, तो ये जान लीजिए ओ से ए तक एक्सेलरेटेड है, 1000 की वेलोसिटी गेन कर ली, उसके बाद अब जो फ्यूल है वो बर्न ऑफ हो गया, अब वेलोसिटी धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब घटती हुई ए से बी तक ये लगातार घटती रहेगी,
यानी बी पर जीरो हो जाएगी, तो बी इज द हाइएस्ट पॉइंट। तो बी क्या होगा बच्चों, हाइएस्ट पॉइंट होगा नाउ फिफ्थ पार्ट। बी क्या है, हाइएस्ट पॉइंट बेटा, बी हाइएस्ट पॉइंट है ठीक है। हमें यहां पर पूरी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, अब ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया ठीक है। ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया लेंगे ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए हाफ बेस हाइट, बेस बेटा यहां पर हो गया 110 और हाइट हो गई 1000। अब ये 55 और ऐसे बेटा 55,000 मीटर हो गया या 55 किलोमीटर, ये 55 किलोमीटर आ गया ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे बेटा हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड के अंदर, ये मान लो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, और ये हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा यहां पे हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये ए पॉइंट मार्क कर लो, इसे ओ ही रहने दो, ये बी और ये सी। अब आपको क्या करना है, दिस फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है फ्रॉम the given graph, draw acceleration time graph, acceleration time graph draw करनी है ठीक है बेटा। डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, यही इसके नीचे बिल्कुल ऐसे बना लीजिए, इसके नीचे बना लीजिए बिल्कुल टाइम सेकंड। अब देखो ये 6 सेकंड, तो ये 6 सेकंड मार्क कर लीजिए, ये 4 मार्क कर लीजिए, ये 2 मार्क कर लीजिए, ये हो गया एक्सेलरेशन किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ठीक है। अब ओ ए पार्ट में एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो ए पार्ट में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसमें, ओ ए पार्ट में बेटा, ओ ए पार्ट का स्लोप लेना पड़ेगा आपको, वर्टिकल 10 अपॉन हॉरिजॉन्टल 2, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी 10 अपॉन 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 5 का, तो 5 ये मार्क कर दीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 0 से 2 सेकंड तक कांस्टेंट रहता है, ये ग्राफ हो गया ठीक है। अब बेटा यहां पे एबी पार्ट में देखिए, एबी पार्ट में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस पार्ट में, एबी पार्ट में बेटा, एबी पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 के बराबर, तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अब यहां पे क्या हो गया, 2 से 4 सेकंड तक, यानी एक्सेलरेशन रिमेन 0, इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए, ये हो गया। नाउ अब 4 से 6 सेकंड पे आ जाइए, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसमें, बीसी पार्ट में, अब बीसी पार्ट का एक्सेलरेशन
अब बेटा यहां से टेन से वेलोसिटी जीरो हो रही है, रिटार्डेशन है, ध्यान रखिए एक्यूट एंगल बनता है, ये थीटा क्या है 90 से छोटा, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन होगा, और ये एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होती है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा हम स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं, भाई स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन, अब स्लोप टेन से वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल माइनस टेन अपॉन टाइम इंटरवेल 6 माइनस 4, तो बेटा ये 2 हो गया, माइनस 10 ये हो गया, माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, तो माइनस ये मार्क कर दीजिए, माइनस 5, तो यहां बेटा एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, तो इस तरीके से बेटा आप यहां पे ये प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये तो ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाता है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ग्राफिकली ऑप्टेन करनी होती है, तो इन ग्राफ की मदद से हम उन इक्वेशन को ऑप्टेन करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है बेटा।